अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन शुरू होता है बारिश से एज यूजल, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही तो इस मुल्क की पहचान है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कुछ रमज़ान के लिए शॉपिंग करने और जो है ना ईद के लिए तैयारी करनी थोड़ी सी, क्योंकि फिर रमज़ान में हम लोगों ने सोचा कि कहीं बाहर ही ज़्यादा निकलना, क्योंकि फिर यही नेकियाँ ज़्यादा कमाने का महीना है, तो इसलिए हमने नेकियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमानी है। इंशाल्लाह सारे जो है ना अपनी अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई जो है ना किसी की लाइन में नहीं आ रहा, कोई किसी की भी लाइन में नहीं आ रहा, तो जो है ना सब आराम से अपनी मज़े से जा रहे हैं। सबको पता है कि अगर किसी ने किसी की लाइन में नहीं आना, अगर आना भी तो उसका किसका क्या राइट है। तो गाइस अब यहाँ से हम मोटरवे पे चढ़ेंगे, तो फिर हाफ एन आवर में हम लोग दूसरी सिटी पहुँच जाएंगे। तो हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो मेरा तो नहीं दिल चाह रहा कुछ लेने को, मगर अब आपने तो नहीं लेना होगा ना कुछ भी? नहीं लेना तो नहीं, चले जाके देखते हैं, फिर अगर कुछ पसंद आएगा फिर कुछ नहीं कह सकते। पुलिस की गाड़ी आ गई है पीछे। तो गाइस ये पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो सारों ने ना अपनी अपनी गाड़ियाँ जो है साइड पे कर ली है, क्योंकि यहाँ पे ये रूल है कि आप ना सबसे पहले एम्बुलेंस और जो पुलिस की गाड़ी होती है उसको जो है ना जाने दो, सिग्नल खुला है नहीं खुला उसके लिए आपने पहले स्पेस बनानी है। तो गाइस अभी हम फ्यूल डलवाने के लिए आएंगे, क्योंकि फ्यूल बिल्कुल थोड़ा था तो मैंने कहा कि हम जाने से पहले डलवा लेते, ड्राइव भी बहुत लंबी हो रही। इधर गाइस आपको पता है ना फ्यूल डालना पड़ता है, तो ये पेट्रोल डालना पड़ेगा अपनी गाड़ी में। हमने फ्यूल डलवा लिया 42 pounds और 54 pence का डला है, तो ये अभी मैं अंदर जा रहा हूँ पे करने के लिए, उसको मैं पे करके रहूँगा और फिर हम यहाँ से जाएंगे। इन साइड ये क्यू लगा हुआ है देखें, तो सारे अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और हम अब हम जो है फ्यूल स्टेशन से निकलने लगे हैं, और अब अपनी दूसरे टाउन की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी गाड़ियों का क्यू लगा हुआ है। फाइनली पहुँच गए हैं डेस्टिनेशन पर फाइनली, तो अब हम यहाँ पे अपनी पार्किंग देखेंगे, फिर गाड़ी को पार्क करके सुमामा को उतार के जाएंगे अंदर। तब हम लोग शॉपिंग करने के बाद दिखाते हैं। अब हम एक शॉप से फ्री होके दूसरी शॉप पर जा रहे हैं, तो बारिश भी साथ साथ हल्की हल्की हो रही है, तो देखिए कितना प्यारा पपी साथ, तो बारिश भी की वजह से जो है ना मैं सुमामा को भी कवर किया है, क्योंकि ऑलरेडी सुमामा साहब जो है ना बहुत डाउन डाउन है। अब हम ये अब देख रहे हैं, अब पता नहीं अब्दुल्ला को इसमें से कुछ पसंद आता है कि नहीं आता, तो अब अल्लाह करे इनको कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि लगता है इन्होंने अपनी शॉपिंग में सारा टाइम जो है ना गुजार देना है। चलता रहिए, कितना प्यारा ये फाउंटेन सा मॉडर्न टाइप का आया नज़र। सात बच्चे के नहीं, ये मुश्किल चीज़ है ना, मगर ये बहुत अच्छी जगह है। स्पेंसर में आया कि इधर से अब्दुल्ला को कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि अब्दुल्ला जी को कुछ जल्दी पसंद नहीं आ रहा, और मैं थक गई हूँ उनकी जो है ना शॉपिंग की वजह से, वरना नॉर्मली ये थकते थे और आज मैं थक गई हूँ। गाइस अब्दुल्ला की तो शॉपिंग हो गई है पूरी, तो अब मैं अपनी सुमामा की कोई चीज़ मुझे नज़र आती है तो मैं वो देख रही हूँ, कि अगर कोई मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर चलेंगे वापस। एक और आउटलेट में शॉप पे ही हूँ, तो देखती हूँ इधर से मुझे क्या पसंद आती है, क्योंकि मुझे कुछ गिफ्ट्स भी चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे देख लेती हूँ। तो हमारी फाइनली शॉपिंग जो है पूरी हो गई, अब हम वापसी के लिए निकल रहे, क्योंकि अभी पता चला है कि सुबह रोज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा रमज़ान शुरू हो रहा है, तो जाके फिर तरावी की पहले तैयारी करते हैं, फिर सुबह सहरी की इंशाल्लाह तैयारी करते हैं। तो ये
अमेजोन का रास्ते में जाते हुए जो है ना मेरे हाउस आया, ये तो बहुत बड़ा था मगर मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई। फाइनली अब हम वहाँ से फारिग हो के पहुँच गए ब्रेडफोर्ड, तो अब हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा कुछ खाएंगे, तो लेट्स गो अंदर चलते हैं दिखाते हैं हम क्या लेते हैं। Everything on just except tomatoes. Some extra, please. Okay, that's fine. नमाज पढ़ने के बाद आए थे यहाँ पे आइसक्रीम खाने, हेवन डिजर्ट, तो इनके आइसक्रीम बहुत मज़े की है।